हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम डिस्कस करेंगे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर और लीनियर एक्सेलरेटर। वी कैन राइट हियर लीनियर आज डिस्कस करने वाले हैं लीनियर एक्सेलरेटर, ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेटर होता है क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है किसी सिस्टम से, वह सिस्टम कहलाता है लीनियर एक्सेलरेटर। वंस अगेन आई रिपीट, जब किसी चार्ज पार्टिकल को या पार्टिकल को किसी सिस्टम के द्वारा एक्सेलरेट किया जाता है, हम उसको कहते हैं एक्सेलरेटर। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लीनियर एक्सेलरेटर, और ये एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये ट्यूब्स हैं जिनको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट ट्यूब्स। ये ट्यूब्स हैं L1, L2, L3 एंड सो ऑन। ये L1 लेंथ है, याद रखेंगे। यहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है और इनके बीच में डिस्टेंस भी क्या होती है, इक्वल, याद रखेंगे, इक्वल डिस्टेंस होती है। और ये इक्वल डिस्टेंस पर ही प्लेस्ड की जाती हैं, और इन सभी ट्यूब्स को हम एक ऑसिलेटर्स और अल्टरनेटिंग सोर्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है और इसको बोल सकते हैं ऑसिलेटर्स। इनसे हमने क्या कर दिया, 1 ट्यूब 3 ट्यूब एंड 5 ट्यूब को इसके एक टर्मिनल से, 2 ट्यूब्स एंड 4 ट्यूब को हमने दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर कनेक्ट करने का मतलब यह है कि ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑसिलेटर से है। इसकी फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ में क्या होती है, चेंज होती है। याद रखेंगे, जब ये पॉजिटिव होता है उस टाइम पर ये क्या होता है, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव तो ये क्या होता है, नेगेटिव। मींस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रिवर्स भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मींस अब क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही कोई आयन बीम एंटर कराते हैं, याद रखेंगे आयन बीम्स का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रोटॉन्स हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन भी हो सकता है, यानी कि हमें जिसको एक्सेलरेट करना है वो बीम यहाँ से एंटर कराते हैं। जैसे ही उस बीम को यहाँ से एंटर कराते हैं, तो जब यहाँ पर एंटर कराएंगे तब ये निगेटिव होनी चाहिए। जैसे ही वो बीम यहाँ से लीव करे या वो पार्टिकल लीव करे, तब यहाँ पर वो पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। इससे होगा क्या, याद रखेंगे, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तब वो होती है के ई इक्वल्स टू ई वी, ई इज द चार्ज एंड वी इज द पोटेंशियल, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर यूज करते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखेंगे जब ये पॉजिटिव हो और यहाँ से बीम एग्जिट करें और यहाँ पर एंटर करें, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तब इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होनी चाहिए, जब यहाँ पर एंटर कर गया तब ये पॉजिटिव, और जब यहाँ तक रहे पॉजिटिव उसके बाद में फिर से क्या हो जाए, निगेटिव। तो इस तरीके से हर एक गैप में इतनी काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की इंक्रीज होती है और लगातार ये इंक्रीज होती जाती है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। वन थिंग रिमेम्बर, याद रखेंगे ये हमेशा अल्टरनेट रहते हैं, जब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, जब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट सोर्स और ऑसिलेटर्स। सो इस सिस्टम के अंदर ऑसिलेटर्स होता है, एक आयन सोर्स होता है जिससे आयन बीम मिल जाए, और इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती है जिनको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट ट्यूब्स, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल होती है, इनका क्रॉस सेक्शन भी इक्वल होता है, और ये इक्वल डिस्टेंस पर ही शरीर में प्लेस्ड की जाती हैं। इवनली याद रखेंगे, इनको अलग अलग फेस पर कनेक्ट किया जाता है, वन बाय वन, दिस दिस एंड दिस कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल, दिस एंड दिस इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल, मींस पॉजिटिव नेगेटिव या अल्टरनेट। सो दिस इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेटर। और याद रखेंगे यहाँ पर हाफ टाइम के लिए ये पॉजिटिव और हाफ टाइम के लिए नेगेटिव होना चाहिए, जिससे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, तो इसकी बात करते हैं, हम जानते हैं के इज इक्वल्स टू ई वी। अब यहाँ पर अगर टाइम पीरियड पी है, तब ये हाफ के लिए पॉजिटिव और हाफ के लिए नेगेटिव होना चाहिए, एल एन इज इक्वल्स टू वी एन।
ये वही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी, बट यहाँ पर हमने टाइम हाफ लिया है क्योंकि हाफ टाइम ये पॉजिटिव और हाफ टाइम ये नेगेटिव होता है। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन, और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन ई वी। यहाँ पर ई वी तो है काइनेटिक एनर्जी और एन है नंबर ऑफ क्यूब्स, बिकॉज जितने ज्यादा गैप होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, वन टू थ्री सो डॉट डॉट एन मान सकते हैं। तब यहाँ पर वी एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टू एन ई वी अपॉन एम। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और हम लिख सकते हैं यह आ जाएगा एल एन इज इक्वल्स टू बी अपॉन टू एंड द वैल्यू ऑफ बी एन इज टू एन ई वी अपॉन एम। वी शुड नो पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, सो वी कैन राइट हियर वन अपॉन टू एफ अंडर रूट ऑफ टू एन ई वी अपॉन एम। So this is the length of the tube and length is directly proportional to the n, because m is constant, n is constant, v is constant. So we can write here directly proportional to n, where n is the number of cubes. We can write here l 1 ratio 2 ratio 3 dot dot is equals to 1 ratio 2 ratio dot 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 n. मीन्स लेंथ के इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसी को हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेटर, क्योंकि हमें लीनियरली बीम मोशन करती है। याद रखेंगे ये सिस्टम नियरली 3 किलोमीटर लेंथ होता है, इस सिस्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 3 किलोमीटर। इसके अंदर ये ट्यूब्स होती हैं, इस ट्यूब्स को जैसे इससे एंटर कराते हैं एग्जिट कराते हैं, तो यहाँ पर हर एक गैप में इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लीनियर चार्ज पार्टिकल एस्केलेटर और लीनियर एक्सेलरेटर, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेटर, और ये एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। याद रखेंगे इसकी एक वीकनेस या लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे उसका मास चेंज हो जाता है, इसकी यही लिमिटेशन है। और ये सब कुछ वैक्यूम में होता है, निर्वात में, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेटर। थैंक यू।